गाइस यार देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ टाइगर 3 से बहुत अच्छी अपडेट निकल के आई है, वो भी जूनियर एनटीआर को लेकर के। और मैं सब कुछ कवर करूंगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेना, वीडियो किसी भी अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि भाई जूनियर एनटीआर का भाई रोल में हमें देखने को मिलेगा वॉर 2 के अंदर, और भाई टाइगर 3 के अंदर भी बहुत ज्यादा चांस थे कि हमें जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे, जो कि भाई पूरे स्पाई यूनिवर्स के मेन कर्ता धर्ता यानी बहुत बड़े विलन बनने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अब जो कन्फर्म अपडेट निकल के आ रही है ना कि भाई हाँ, जूनियर एनटीआर टाइगर 3 के अंदर एक कैमियो देखने को मिलने वाला है उनका, और ये भाई हद तक कन्फर्म नजर होता आ रहा है, क्योंकि भाई जो जिस तौर से अपडेट निकल के आ रही है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो जो भी चीज़ बताया है ना मुझे आज तक, भाई सही में काफ़ी हद तक सच निकली है यार। तो सही में यार ये सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई जूनियर एनटीआर भाई एक तरीके से थैनोस का रोल निभाने वाले हैं पूरे स्पाई यूनिवर्स के अंदर। और ये सुनने के बाद तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि भाई जूनियर एनटीआर का आखिरी में भाई लास्ट सीन में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा कैमियो देखने को मिलेगा, जो कि सीधा जाकर के भाई वॉर 2 से कनेक्ट होगा, क्योंकि भाई टाइगर 3 के बाद सीधा भाई वॉर 2 पे ही काम किया जाने वाला है स्पाई यूनिवर्स के अंदर। और सही में ये सुनने का तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि भाई हाँ, जूनियर वो कंफर्म कर चुके हैं एज विलन के रोल में, वो स्पाई यूनिवर्स के भाई बहुत बड़े विलन के रोल में कंफर्म कर चुके हैं। तो तुम यार, तुम्हें क्या लगता है भाई जूनियर एनटीआर कैसा रोल निभा के जाएंगे, वो भी भाई विलन के रोल में? यार मैं भाई सुनने के बाद तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ यार। तुम अपने यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है भाई जूनियर एनटीआर कैसा रोल निभाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कितने एक्साइटेड हो चुके हो अपडेट सुनने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहीं सर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मैं आज के लिए बदल लेता हूँ, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।